हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी तो मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा आज यहाँ का आपको जो मंदिर है, कुआ है हमारे खुद का और घर का, मैं दिखाती हूँ। और जहाँ पे मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था वो कमरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा, इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे हनु ना खेल रहा था और पूरा देखो कैसे कपड़े कर लिए इसने। दिन में कम से कम एक दो जोड़ी तो कपड़े अपने चेंज करा ही लेता था आराम से, क्योंकि वहां मट्टी थी तो मट्टी में खेलता था इसे। और मतलब मट्टी हाथ में लेता और फेंक देता, यही कर रहा था वहां पे। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा था इसे, बहुत ज्यादा खुला था तो काफी अच्छा भी लगा और बहुत इसने अच्छे से आपको खेला यहाँ भी। पे जो हमारा मंदिर है उसके दर्शन कराती हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है, घर का मंदिर है। जब हम एंट्री करते हैं तो पहले मंदिर ही पड़ता है, बाद में जो है घर में हम लोग एंट्री करते हैं। और ये बहुत पुराना मंदिर है और मंदिर के बाहर ही देखो तुलसी है हमारे यहाँ, तो हमें अलग से यहाँ पे इतनी तुलसी थी, बहुत ज्यादा फ्लावर थे नए नए तरीके से कि अपना मंदिर में जाओ तो फ्लावर तोड़ो और अपना चढ़ा दो मंदिर में। और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था यार। गाँव गाँव होता है, शहर शहर होता है। शहर में तो हमें 10 चीजें ढूंढनी पड़ती है तब जाके हमें मिलती है, लेकिन गाँव में तो हर चीज जो आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे जो ब्लैक वाली भी थी और ग्रीन वाली, दोनों ही तुलसियां थी। और ये कुआं था, कुएं में खैर अब तो पानी नहीं है, बस कूड़ा ही भरा हुआ था नहीं कुएं है, में। उनका बेटा है क्यूट सा, नॉटी सा, छोटे बच्चे के साथ। और ये देखो, आपको लेके चलती हूँ उस कमरे में जहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था फाइनली। तो ये वाला है कमरा, ये कमरा है, तो ये कमरा है जहाँ पे मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था, यानी हनु। और हनु भी जो है अपने पापा की जन्मभूमि पे आया। खोल के देखते हैं इसमें है क्या। एक मिनट, जो कैमरा पकड़ो तभी खुलेगा। चलो खुल गया, खुल गया, ठीक है। इसमें अंधेरा हो रखा है, मतलब पूरा कोई रहता नहीं है ना अभी इसमें, तो ऐसी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर भी अंधेरा हो रखा है। और ये मटकियां रखी हैं और यहाँ पे हम लोग सारे बैठ के बातें कर रहे थे। हम सोचे थे कुछ खाते हैं, पार्टी करते हैं, तो बस वही हमारा मतलब प्लान बन रहा था कि आसपास क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे साइकिल लेके गए मैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन लेके आना और उसी की हम जो पार्टी करेंगे। लास्ट बची थी चलो अच्छा, चलो हमारी क्या है इसमें चाउमीन, हमारी चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक आ गए, हम करेंगे पार्टी। सो गाइस, यहाँ पर हनु बहुत एक्साइटेड है पार्टी का। हनु जा रहा है देखो कोल्ड ड्रिंक पे है। हनु आ गई चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक भी तो करेंगे ना। रुद्र बोल रहा है मैं ग्लास, मुझे ग्लास चाहिए। यहाँ पर हमारी भैया को दे दो, अनुभव दे दो, जैसे भी है मेरी मेरी का येरी और बाबू गेरी, मेरी येरी येरी सबके लेके भैया की ठीक है ठीक है। देखो कितने तेज हैं लोग, मुझे तो मीठी वाली दे दी और खुद देखो स्पाइसी वाली खा रहे हैं। कौन सी चाहिए, मीठी वाली स्पाइसी वाली? ये स्पाइसी है, ये मुझे मीठी दे दी है, इसको दे दीजिए। मीठी खाओगे स्पाइसी खाओगे? मीठी चटनी वाला लोगे ना, तो ये ले लो। गाइस यहाँ पर हमारी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हनु ग्लास से खेल रहा है और हम लोग अपना पार्टी कर रहे हैं। चाचू इधर बैठ के अपना पार्टी कर रहे हैं, सब लोग अपना हनु ग्लास गिरा दिया, हनु ने गिरा। और ये हैंडपंप है गांव के, मोटर भी लगी हुई है लेकिन लाइट कई बार नहीं आती थी तो फिर हैंडपंप से हम लोग पानी भरते थे। और चिड़िया देखो कितने टाइम बाद जो है चिड़िया देखी थी, मतलब वहां तो दिल्ली में तो दिखती ही नहीं है। और यहाँ पे जो है बेल पत्थर होते, बेल पत्थर का भी पेड़ था घर के बाहर ही, तो ये भी मैं, चलो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब गाँव में तो हर चीज आसानी से मिल जाती है। ये जो है हम थोड़ा आगे गए तो ये ना स्कूल है जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो पढ़ते थे, तो उन्होंने दिखाया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता था, यहाँ पे यज्ञ होता था और बहुत अच्छा लगा हमें। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।